इमरान खान की सियासत नफरत के अलावा कुछ नहीं, इसने मुआशरे में लकीरें खींच दी। पेरू ने मुल्क पाकिस्तानियों को भी तकसीम किया, आने वाला वक्त बताएगा कि ये मुल्क को कितना पीछे ले गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कैनेडियन रुकन पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया, हमारे इदारों के खिलाफ हर्जा सराई होगी तो जवाब जरूर आएगा। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने आइंदा माह वतन वापस आने का फैसला कर लिया। जुलाई के तीसरे हफ्ते में इस्लामाबाद पहुंचेंगे, फौरी तौर पर बतौर सेनेटर जिम्मेदारियां संभालेंगी। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मुकदमात का सामना करेंगे, अदालती फैसलों के बाद काबीना में शमूलियत मुतवक्के। पीपल्स पार्टी ने मुआहदे पर अमल न किया तो बहादुराबाद को ताले लगाकर सड़कों पर आ जाएंगे, MQM पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया। वसीम अख्तर बोले, कराची और हैदराबाद के इलेक्शंस में अंदरूनी सिंध जैसा हुआ तो मुश्किलात बढ़ जाएंगी, हम ऐसा इलेक्शन नहीं होने देंगे। जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च गुजरात पहुंच गया, सिराजुल हक कहते हैं अवाम लावारिस नहीं, मुल्क को करप्ट सियासतदानों से खतरा है, हमारे फैसले IMF नहीं हम खुद करेंगे। और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में जान बचाने वाली दवाओं की किल्लत, खून पतला करने वाली बुखार और दर्द की गोलियां मेडिकल स्टोर से गायब। समा की खबर पर वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की अद्विया साज कंपनीज के मालिकान से हंगामी मुलाकात, मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी।